नमस्कार, स्वागत है आपका विभाज स्वाद रसोई में। इडली और डोसा, जो कि सभी को पसंद होता है, ये साउथ इंडियन डिश है, फिर भी पूरी इंडिया में बड़े चाव से खाया जाता है। इसे हम घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, पर इसे बनाने में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और सभी से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगी। मैं इडली और डोसा का बैटर किस तरह से घर पे तैयार करना है ये बताऊंगी, साथ ही डोसा बनाकर भी आपको दिखाऊंगी कि उस बैटर से कैसे हमें बनाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे पसंद आने पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल विभाज स्वाद रसोई को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इडली डोसा का परफेक्ट बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बाउल चावल लिया है। तो जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हैं, उसी सेम बाउल से पूरी मेजरमेंट आपको करनी होती है। तो यहाँ पे हमने 2 बाउल चावल लिया है, और जितना हमने चावल लिया है उसका 1/4 भाग हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो कोई भी नॉर्मल राइस आप यहाँ यूज करें, मोटा चावल ले सकते हैं आप। हाँ, पतला चावल जैसे बासमती राइस, वो आपको यहाँ पे नहीं यूज करना है। तो जितना हमने रेशियो बताया है उसी के हिसाब से आपको लेना है। इसके साथ में ये उड़द दाल, जिसे स्प्लिट दाल भी कहते हैं, धुली हुई उड़द दाल है ये लिया है हमने 1/2 कप। तो 2 कप चावल के साथ में, 2 कप चावल के साथ में हमने 1/2 कप यानी आधा कप उड़द की दाल ली हुई है। आपको इसी रेशियो से दाल और चावल को भिगाना है। और इसके साथ में हम सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी और यूज करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हम चावलों को धो करके अच्छे से अलग भिगा देंगे और दाल को धो करके अलग पॉट में भिगाएंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाएं। और मेथी दाने अगर आप चाहें तो दाल के साथ भिगा सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही यूज करें। मैं इसे नहीं भिगाने वाली हूँ, इसको साबुत ऐसे ही यूज करने वाले हैं। तो इनको सबसे पहले हमें धो करके भिगा देना है ओवरनाइट, या फिर 5 से 6 घंटे के लिए। यहाँ आप देखिए, मैंने 2 कप चावल धोकर भिगा दिया था, 6 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। दाल भी देखिए, मैंने 1/2 कटोरी ली थी, भिगा करके पूरा 1 कटोरी हो गई है, अच्छे से फूल चुकी है। अब बारी आती है इनको पीसने की। तो हमें इसको कैसे पीसना है, सबसे पहले हम चावल को पीस लेंगे। चावल को अलग पीसना है, दाल को अलग पीसना है, दोनों को साथ में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि चावल को हम थोड़ा सा दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ही फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाएंगे। और पानी यहाँ पे जो यूज करेंगे चावल को पीसने के लिए, वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो जार थोड़ा गर्म हो जाता है ना, तो गर्म नहीं होना चाहिए जार। इसके लिए हम नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी यहाँ यूज करेंगे। ये पानी डाल करके हम इसको पेस्ट बना लेंगे, लेकिन बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा सा पेस्ट इसका बनाना है। इसीलिए हम इसे अलग पीसते हैं, क्योंकि चावल को हल्का दरदरा पीसना होता है। और ये देखिए, मैंने चावल का पेस्ट तैयार कर लिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत फाइन नहीं है ये, पतला ही पीसना है हमें, बारीक करना है लेकिन बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है। तो इसे हमने यहाँ पे एक बड़े पॉट में डाल लिया है, और बाकी का चावल भी इसी तरह पीस लेंगे। और उसके बाद हमें दाल को पीसना होगा। दाल का हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना होता है, बिल्कुल ही बारीक पीसना होता है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग पीसते हैं। तो ये पूरा चावल मैंने पीस लिया था, और अब हम यहाँ पर दाल को पीस रहे हैं। ये देखिए, चावल को हमने थोड़ा दरदरा रखा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का बिल्कुल ही फाइन पेस्ट हमने बनाया है। तो ये फाइन पेस्ट तैयार है, इसे भी चावल के साथ में हम मिक्स कर देंगे इस तरह से, और फिर दोनों चीजें इकट्ठी करके हमें थोड़ा फेंट लेनी है। तो ये देखिए, पूरी दाल मैंने इसमें ट्रांसफर कर दी है। अब आप चाहे तो किसी विस्क की मदद ले सकते हैं, या स्पून से, या फिर अपने हाथों से। हाथों से फेंटने में भी बहुत ही अच्छा फ्लफी हो जाता है, पर अभी मैं इसे विस्क की मदद से फेंटने वाली हूँ। तो इसे बहुत अच्छे से फेंटना है 1 से 2 मिनट के लिए।
तो इसे फटाफट चलाते हुए फेंट लेते हैं। इसमें अभी नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक अगर हम बैटर में पहले से डाल देते हैं तो इसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस, इसमें खमीर उठने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई जून का महीना है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो आप इसमें नमक डाल दें, क्योंकि नमक इसमें फर्मेंटेशन को स्लो कर देता है। तो वैसी कंडीशन में आपको नमक डालना है, पर अभी यहाँ पे हमें नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। इसे ऐसे ही हम फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद इसे कवर करेंगे और कवर करके हम रख देंगे। तो यहाँ देखिए, थोड़ा फेंटने के बाद हमने इसमें मेथी के दाने डाल दिए हैं और फिर इसे लगातार फेंटना है, जैसा कि मैंने बताया, 1 से 2 मिनट। फिर कवर करके इसको गर्म जगह पे रखना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो इसे फर्मेंट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर गर्मियों में ये 9 से 10 घंटे में आराम से फर्मेंट हो जाता है। मेथी दाने हम यहाँ इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यह फर्मेंटेशन की प्रोसेस को तेज कर देता है और इससे खमीर बहुत जल्दी बनता है। साथ ही ये पेट के लिए भी अच्छा होता है और हमारे डोसे को क्रिस्पी भी बनाता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हम इसे फेंटते जा रहे हैं। इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको फेंटने से इसमें एरिएशन हो जाता है और ये फर्मेंटेशन को तेज करता है। तो इस तरह से इसको फेंट कर फिर कवर करके हमें रखना है। सर्दियों के मौसम में आप चाहें तो इसे किसी साल या कंबल में किसी गर्म चीज में लपेट करके रखें, ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था, तो इसे कवर किया है और अब हम इसे गर्म जगह पर रखेंगे। पर मैं आपको अभी दिखा देना चाहती हूँ कि इसमें कितना बैटर है। आधे पॉट से भी थोड़ा कम ही है ये बैटर, और फर्मेंट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना राइज हो जाता है। ये देखिए, 9 घंटे हो चुके हैं और यह बहुत अच्छे से फूल चुका है। पहले भी मैंने आपको ये पॉट दिखाया था और अभी आप देख सकते हैं साइड से कितना ज्यादा राइज हो गया है। और अभी मैं आपको स्पून की मदद से इसकी एयर पॉकेट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी बढ़िया से इसमें एयर पॉकेट्स बन गए हैं। बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है हमारा बैटर, और हमने यहाँ पे दाल चावल के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो आपको भी सिंपल सी दो चीजें ऐड करनी है, उन्हें इसी प्रोसेस से पीसना है, मिक्स करना है और फर्मेंट करना है। तो अगर अब हम इडली बनाना चाहते हैं तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप डोसा बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पतला बैटर चाहिए होता है। तो ऐसे में हम इसे पतला कर लेंगे, और यहाँ पर जितना बैटर हमें यूज करना है उतने में हम नमक डालेंगे। अगर पूरा बैटर यूज कर रहे हैं तो पूरे में नमक डाल लीजिए। अगर थोड़ा रख के यूज करना चाहते हैं, मतलब 1-2 दिन बाद यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैटर आप फ्रिज में रख कर 2 दिन तक यूज कर सकते हैं, तो बिना नमक डाले इसे फ्रिज में प्लेस करिए और 2 दिन तक आराम से यूज करिए। तो यहाँ मैं आधा बैटर अलग कर दूंगी, जो कि हमें बाद में यूज करना है, और बाकी मैं पानी मिलाकर इसे डोसा बनाने के लायक थोड़ा पतला बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आधा बैटर निकाल दिया है और अब इसमें नमक डालेंगे और पानी डालेंगे और इसका थोड़ा पतला बैटर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि ये बिल्कुल पतला ना होने पाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और डोसे के लिए जिस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने नमक को मिक्स कर दिया है, पानी भी मिक्स हो गया, और ये कंसिस्टेंसी हमें डोसे के लिए चाहिए होती है। पर इसे हम अपनी इच्छा से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम चीला बनाते हैं वैसा ही बैटर हमें इसका तैयार करना होता है। तो अब जबकि बैटर रेडी हो चुका है, हम फटाफट इसका एक डोसा बना करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ हम लोहे के तवे पे डोसा बनाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोहे के तवे पे इजीली डोसा बना सकते हैं। तो यहाँ लोहे का तवा अच्छा गर्म हो चुका है, इसको मैं आपको दिख रहा होगा, कुछ ड्रॉप्स हमने ऑयल की डाली हैं। अब एक टिश्यू पेपर लेंगे, आप कोई साफ कपड़ा ले सकते हैं सूती, उससे इस पूरे तवे पर हम ऑयल को स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं पूरे में अच्छे से ऑयल लग गया है और ये बिल्कुल गर्म है। अब हमने क्या किया है, इस पे एक प्याज इस तरह से घिस दी है, आधी प्याज काट के मैंने फोर्क में फंसाया है और उसे पूरे तवे पे लगा रहे हैं। प्याज की जगह आप लौकी, कद्दू का डंठल या तरोई का डंठल ले सकते हैं, या फिर आलू को आधा काट करके यहाँ यूज कर सकते हैं।
अब इस पे हम थोड़ा सा पानी छींटा डालेंगे और उसे पोंछ देंगे। फिर से कुछ ड्रॉप हम इस पे ऑयल की डालेंगे और इसे वापस से पोंछ देंगे। तो इस तरह से हम अपने तवे को सीजन कर लेंगे, जिससे ये डोसा बनाने के लिए बिल्कुल नॉन स्टिक तवे का काम करेगा। तो हमने 2 बार ऑयल डाला है, पोंछ दिया है, पानी डाल करके तवे को थोड़ा सा ठंडा किया क्योंकि ये बहुत गर्म था, फ्लेम मीडियम कर दी है और फटाफट इस पर बैटर डाल रहे हैं। मैंने छोटा स्पून लिया है, इसमें 2-3 बार बैटर डाल रही हूँ, पर आप कोई बड़ा स्पून यूज करेंगे तो आपको 1 स्पून बैटर यहाँ पर डालना होगा। अब देखिए इसे हम अच्छे से फैला देते हैं क्लॉक वाइज, बिल्कुल ही ईजली हमें इसको फैलाते जाना है बाहर की तरफ। ये देखिए जितना बैटर इसमें है पूरा हम बाहर की तरफ फैलाते चले जाएंगे और ये पूरा अच्छे से फैल चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ध्यान रखें जब डोसे का कलर, बैटर का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके बाद हमें ऑयल डालना है और बस इसे मीडियम से लो के बीच में आराम से सेकने देंगे धीमी आंच में, या फिर आप मीडियम फ्लेम पे भी सेक सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है अगर आप इसे आराम से सेकने देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं साइड्स अपने आप ही छोड़ने लग गया है, बीच में कलर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बिल्कुल क्रिस्पी डोसा हमारा बन करके तैयार हुआ है। मैं फोल्ड कर देती हूँ इसको। ये देखिए कलर भी देखिए आप, कितना अच्छा सा कलर, कितना अच्छा टेक्सचर आया है, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो अब फटाफट इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। कितना इजी तरीका था, बैटर घर पे हमने बनाया है, घर पे हमने डोसा तैयार किया और इतना बहुत ही बढ़िया, मार्केट से भी बढ़िया डोसा हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए इसे मैं पूरा आपको घुमाकर हर तरफ से दिखा रही हूँ और कितना क्रिस्पी है आप देखिए, पूरा बिल्कुल चूर चूर हो जाता है जब मैं इसे तोड़ती हूँ। तो ऐसा ही क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए आप मेरी ट्रिक से घर में बैटर बनाएं और उससे बिल्कुल क्रिस्पी डोसा और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनाइए। आपकी भी बहुत ही इजली इडली और डोसा बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप बनाने के साथ ही अपने व्यूज मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। Till then, bye bye.